प्रणाम सर, आवाज नहीं आ रहा है सर। प्रणाम सर आवाज आ रही है? जी, आ रही है। यस सर। आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। क्या टॉपिक है राहुल? माइक्रो मॉडल्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। प्रणाम सर। पूछ लो।
क्या टॉपिक का नाम बोले हो? माइक्रो मॉडल्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ।
सर एक बार पढ़ दीजिए तो। अब जो है ना चाइनीज या रशियन सब शास्त्री है, अभी करेंट लेटेस्ट अर्थशास्त्री फ्रांकोइस और जो फर्जुगनन विलियम मेलो ग्रीनबर्ग प्रेस्कॉट अथर्टन एरारो एमी कैम्बेल मोलनार तथा आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा आय वितरण तथा ग्रोथ का माइक्रो मॉडल विकसित किया गया। तो हम लोग के कोर्स में जो मॉडल है ना उसमें ही पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है, तो मॉडल जो होता है लेविस का नर्स का ही सब मॉडल होता है। ये जो है तीनों का माइक्रो मॉडल जो है वो प्रभाव से बताया जाता है, जो अर्थव्यवस्था में कोई काम हो रहा है तो उससे आय में वृद्धि हो रही है कि नहीं, वितरण जो है वो अच्छा हो रहा है कि वितरण और खराब हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। तो ये सब अर्थशास्त्री जो है अपना अपना रिसर्च करके इस पर किया है, इसके बारे में एक साथ मिला के हम आपको बताएंगे। नाम इसलिए दिए कि इसमें जो भी नाम याद रहेगा रखिएगा, गरीबी है और गरीबी और गरीबी का मतलब हो गया आय, इनइक्वालिटी विषमता का मतलब हो गया वितरण। तो गरीबी और आय के वितरण का जो दो बात होता है किससे होता है उसको इसमें लिखा जाता है। कोई क्वेश्चन आया नहीं है ना करेगा तो आएगा। लेटेस्ट जो है ये है इस पर, पहले था कि सबका अलग अलग नाम से अलग अलग और शास्त्री का नाम दिया रहता है, जैसे किन्स का नहीं दिया हुआ, किन्स का दिया हुआ है तो रेस्टोरेंट डिसीजन किन्स का है। ये जो इतने आदमी इसमें काम किया और भी बहुत सारे आदमी होंगे लेकिन लेटेस्ट यही है। अब इसमें क्या है एक अर्थशास्त्री हैं जो इनका नाम छूट गया है, इनको नोबेल प्राइज मिला है, तो भी ये नाम फेमस है अर्थशास्त्र में, तो भी इनका सिद्धांत तो भी इफेक्ट। तो भी तथा वर्तमान के अपना नाम में से कोई चार को नाम छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम सीरियल से लिख दिए हुए हैं लेटेस्ट एकदम 2019 से कहीं तक लास्ट तक है, इतना आदमी काम इस पर कर चुका है। तोबिन जो है मर गए हैं, ये कम्युनिस्ट थे, तोबिन मॉडल, तो तोबिन तथा वर्तमान के अर्थशास्त्री। आय वितरण तथा ग्रोथ का माइक्रो मॉडल
इसमें पहला जो बात क्या हो गया, आय, आय का संबंध हो गया गरीबी। दूसरा है वितरण, वितरण का मतलब हो गया आय और धन, आय एवं धन, धन संपत्ति। तीसरा है एसेट, पोर्टफोलियो, एसेट पोर्टफोलियो, बिहेवियर। और एसेट पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया, पोर्टफोलियो मतलब होता थैला, और एसेट मतलब हुआ परिसंपत्ति। तो तुम देखोगे कि कोई नेता जो है नेतागिरी शुरू किया तो गरीब था, आ 5-10 साल में देखो कि बड़का बड़का गाड़ी उसके घर में हो जाएगा, लंबा चौड़ा कुत्ता होगा जो कि उस पर 50,000 खर्चा होगा, और वो चलेगा कहीं भी तो 5 गाड़ी आगे पीछे रहे। अब उसके बाद वो इलेक्शन के समय में अपना भरेगा संपत्ति का ब्यौरा तो करोड़ों में लिखा रहा है, कितना भी नेता लोग बना हुआ है कुछ को छोड़ के सबकी संपत्ति क्या है बहुत ज्यादा। अब उसी को कहता है कि छिपा के बाहर के बैंक में स्विस बैंक में रख दिया। अब बहुत ऐसा तुम देखोगे कि नेता है जन्मदिन मनाता है तो हवाई जहाज में जन्मदिन मना रहा है, हेलीकॉप्टर में, उसी में केक काटता। आम आदमी जो है केक काटता है घर में और काटता हवाई जहाज, अंतर हो गया। तो इसी को कहते हैं एसेट पोर्टफोलियो बिहेवियर, कि जो आपका परिसंपत्ति का जो थैला आपके पास है उससे आपका बिहेवियर कैसा होगा। अभी आप भारत में ही देख लीजिए कि कई राज्यों में पकड़ाया है धन, तो इतना धन है कि उसका कौन मालिक है किसके घर में रखा वो भी कहता हम नहीं जानते, हम नहीं, हमारा नहीं, मकान किराए में लिया है रहने के लिए नहीं, उसमें नोट रख दिया। अब उसका जो है परिसंपत्ति जो है पोर्टफोलियो बिहेवियर का मतलब हो गया कि ऐसे ऐसे उद्योग में शेयर में पैसा लगाएगा कि उछाल आएगा और करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगा उसका उछाल आने, गिरने पर घट भी जाएगा उठ भी जाएगा। इस सब तरह से जो आय वितरण और ग्रोथ जो है वो माइक्रो मॉडल ये इसी सब पर विचार करता है, इसी सब के प्रभाव को देखता है, इससे पता चले कि क्या पोजीशन। और अब IMF वर्ल्ड बैंक हर देश को डॉलर दे रहा है, ब्रिक्स बैंक बना हुआ है वो डॉलर दे रहा है, तो डॉलर लेने से आय और गरीबी, आय का वितरण और गरीबी का घटाव घटना ये किस प्रकार से हो रहा है। मुद्रा स्फीति का दर कितना है, मुद्रा स्फीति का दर जितना बड़ा होगा तो मुद्रा स्फीति को डकैत कहा जाता है, क्या आपके पॉकेट में पैसा है लेकिन उसका वैल्यू घट जाए,
क्योंकि दाम बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन जो है वो एक तरह का डाकू है जो आपका पैसा जो है उसके वैल्यू को घटा देता है। इन्फ्लेशन को क्यों कहता है कि कंट्रोल में रखना है, इसलिए कहता है कि कंट्रोल में इन्फ्लेशन रहेगा तो आपका 100 रुपया जो है उसका वैल्यू 100 रुपया रहेगा, दाम दुगना हो जाएगा तो 100 रुपया का वैल्यू 50 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि देश में इन्फ्लेशन क्या है। तो ये मॉडल जो है वास्तविक व्यवहारिक मॉडल है और इसको वहां तो इसलिए हुआ कि तोबिन को नोबेल प्राइज मिला। जितना नाम पहले वाला बताए हैं उस सब अर्थशास्त्री सब है, चाइना का, रशिया का, दूसरे कंट्री का, लेकिन तोबिन जो है वो नोबेल प्राइज पुरस्कार इनको मिला हुआ है। गूगल में पूछ के देखो कि तोबिन को नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र कब मिला, देखो ना। टोबिन मॉडल में सर 1981 में 1981 सर 61 1981 में 1981 सर 81 जी सर जी 1981 पोर्टफोलियो थियरी के लिए मिला था सर, उसी के बाद से ही चला है जी। बोल रहे हो जी सर 1981 1981 यस सर 1981 जी सर 1981 देखो बोर्ड पर लिखे हैं सही लिखे हैं जी सर जी 1981 में गोविंद महोदय को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में पोलियो पोलियो प्रभाव माइक्रो मॉडल के लिए मिला है। पांडव पांडव जी सर, याद अगर नहीं हो तो जो याद हो उसी का नाम याद रखना चाहिए, समझ गए। टोबिन का नाम टॉप में रहेगा, पर जो तुमको दिए ना वो सब रिसर्चर सब है, स्कॉलर सब है, उसको भी नोबेल प्राइज कभी ना कभी मिलेगा। तो टोबिन का नाम तो देना ही देना है, और उधर वाला में जिसका भी नाम याद हो, सब का नाम जो है तो मार मंगल बुध के तरह आसान नहीं, नामे याद रखना है। तो इसलिए जो कॉमन नाम होता है उसी को रखना है, लेकिन
टोबिन मॉडल जो है माइक्रो मॉडल इन आय वितरण और ग्रोथ का माइक्रो मॉडल किसका है, टोबिन का है। और पोर्टफोलियो बिहेवियर से जुड़ा हुआ है। पोर्टफोलियो बिहेवियर मतलब जो आय का जो थैला होता है उस थैला में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन होने के कारण वितरण होगा, वितरण सही नहीं होगा तो आय समान होगा कि असमान हो जाएगा। वो समान जाएगा। वही दिमाग में बैठाओ कि वितरण जो है उसमें गड़बड़ी होगा तो आय असमान हो जाएगा, और आय असमान हो जाएगा तो ग्रोथ दर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इतना गरीबी होगा तो गरीबी होने पर उसका ग्रोथ, इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं होगा। गरीबी से पहले उसको निकालिएगा तब ना उसके वो इन्वेस्ट करेगा और ग्रोथ हो, ग्रोथ पर प्रभाव पड़ेगा। आय बढ़ती है, वितरण वितरण भी इनइक्वालिटी वितरण की विषमता घटती है तो ग्रोथ पर भी असर होगा। अब वैसे है कि सब टाटा का पैसा बिरला अंबानी का पैसा लेके पूरा इंडिया में बांट दीजिएगा तो सब के पास जब पैसा चला जाएगा तो सब भिखमंगे हो जाएंगे। क्या कमाया हुआ धन है नहीं, उसके तो पास जो पैसा वो कमा रहा है उससे आ रहा है। अगर उसका छीन के सबको बांट देगा तो 15 लाख 15 लाख चिल्लाता है कि कहाँ मिला हमको, तो 15 लाख भी मिलेगा तो कहेगा ये कम है, कहाँ खरीद पाए जमीन, 15 लाख लेने गए वहां 17 लाख रुपए कटा है। कल गाजी बता रहा था कि बहुत पैसा जोड़ा उड़ा, पैसा जोड़ने के क्रम में वो जहां जमीन लेने जा रहा था वह 17 लाख रुपये कट्टा जमीन, कहा कि कोई जिंदगी में अब नहीं हो पाएगा, अब रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं और तो भी उतना नहीं पूरा, 2 कट्ठा या 3 कट्ठा लेना चाहता है तो उतना कहा हो, कोई रिटायर भी करता है तो 20 लाख रुपया उसको मिलता है, जमीन का दाम 17 लाख रुपये कट्ठा, गाँव में भी लाख में चला गया। गांव का भी पेटिया होता है, बाजार होता है, वहां भी रेट वैसा ही बढ़ा हुआ है, बायर सब जगह जो है दाम बढ़ा दिया। तो कहता है कि माइक्रो मॉडल जो है कोविन इसको विकसित किया कि IMF से पैसा आया कितना गरीबों में बटा। अब गरीब को मकान बनाने के लिए कैश दे दिया, कैश दे दिया और उसी समय उसको अपनी बेटी का शादी करना है या बेटा का पढ़ाई में लगाना है, पैसा वो मकान बनाने में लगाएगा कि उसमें डाइवर्ट कर दे, उस पर कन्वर्ट कर देगा पढ़ाई या शादी। किसान क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है, हम जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा लेके अब बेटा उसके मोटरसाइकिल खरीद, और वो हल्का मोटरसाइकिल नहीं भारी, चले तो अगल बगल लोग देखे उसको, उसकी आवाज तो साइकिल का आवाज भी जो है वो दिल दहलाने वाला होगा। रात को सोए रहिएगा उठ जाए, कुत्ता सोया हुआ झट से उठ के बैठ जाता है, इतना उसका तीखा आवाज निकलता है चलने, पैसा भी उतना लगता है, 17 लाख 18 लाख रुपया तक ले मोटरसाइकिल हो गया। क्या उसमें सिस्टम है, आप तेजी से चलाने का करके देखिए, खबर अखबार में आ रहा है, वो गंगा पथ बना है जाके देखे थे, बहुत सुंदर है, मरीन ड्राइव पटना, हर रोज अखबार का वो कॉलम बना हुआ है कि ये आदमी मारा गया, ये जे पर चढ़ गया, ये स्पीड से, तो ये सब होता है पॉजिटिव निगेटिव इफेक्ट। माइक्रो मॉडल का मतलब हो गया एक एक व्यक्ति, माइक्रो का मतलब एक एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति पर आय उसका कितना बढ़ रहा है, आय का वितरण कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है लेकिन एक आदमी का करोड़ में बढ़ रहा है, एक आदमी का 1000 में बढ़ रहा है, गरीबी मौजूद रहेगा, विषमता मौजूद रहेगा, और तब सबके प्रभाव से उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उत्पादन के प्रभाव को ही ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादन में वृद्धि जो है ग्राफ
लिख लिए ना, पेज को लिख लिए। यस सर। अब शुरुआत किए हुए थे उस समय कुछ नहीं बुझा रहा होगा, लेकिन अब बात कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो टोबिन जो माइक्रो मॉडल विकसित किया आय वितरण और ग्रोथ का, वो कहा कि हम कुछ पॉइंट बताते हैं, कि पॉइंट पर आप अर्थव्यवस्था को जांचें, टोबिन का कहना है। और वो बोलता है जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। जनरल इक्विलिब्रियम माइक्रो मॉडल जनरल इक्विलिब्रियम माइक्रो मॉडल टोबिन ने विकसित किया, इससे अर्थव्यवस्था में आय वृद्धि तथा गरीबी में कमी संपत्ति वितरण मजदूरी दर परिवर्तन वेतन परिवर्तन और इससे व्यवस्था में वास्तविक उत्पादन ग्रोथ दर में वृद्धि। भारत अभी विश्व में ग्रोथ रेट के आधार पर कितना पोजीशन पर हो गया है? पांचवा नंबर पे सर। पांचवा सर। जब मोदी आए थे उस समय कितना नंबर पर था? 10 के आसपास। यही हो गया माइक्रो मॉडल इनकम का। अब इसका जिसको ज्ञान नहीं है तो वो जो है
उसका पॉलिसी अलग होगी, तो नजरे नहीं आवेगा। हवाई जहाज पर चढ़ने वाला आदमी सबको देखोगे तो वैसे ही चढ़ता है जैसे बस में चढ़ता है। फर्क यही है कि बस में जो है स्टैंडिंग रहता है, लेकिन हवाई जहाज में सीटिंग नहीं, खड़ा कोई नहीं, खड़ा रहता है, एयर रहती है, वो रहती है एयर होस्टेस। एयर होस्टेस जो मर्द भी रहता है औरत भी रहता है। किसी किसी जहाज में मर्द को देखते हैं, किसी में औरत को देखते हैं, लड़की को देखते हैं, पैसेंजर सब बैठा रहता है। लेकिन चढ़ने या उतरने के समय जो भीड़ रहता है, स्पेशली उतरने के समय ठीक बस के तरह रहता, बस में भी सब खड़ा हो जाएगा, ठेलम फेल कर उतरेगा। वही हाल हवाई जहाज में भी, का मतलब कि हवाई जहाज चढ़ने का जो केवल एक था कि धनवान का कुछ वर्ग है वही चढ़ता है, पैसा नहीं है। अब मुंबई में मजदूर काम करता है, लॉकडाउन में इंडिया में सब जगह से भाग के बिहारी सब आ गया था पटना बिहार में, तो वहां से वो कहा कि तुम आ जाओ, तुमको सेफ रखेंगे। बोला कि कुछ नहीं चल रहा है, गाड़ी उड़ी सब बंद है। कहा ठीक है, तुम हवाई जहाज से आ जाओ, हवाई जहाज का हम किराया तुमको दे रहे हैं, तुम आराम से आ जाओ। मजदूर सब जो है हवाई चप्पल पहने हुए और अपना जो ड्रेस उसका है कहीं सब तो गरीब है, उसमें भी वो ताकत आ गया और आराम से लाइन में लगा। बात एक बार चढ़ेगा तो जान जाएगा कहाँ से टिकट देना है, कहाँ क्या। और उसके बाद जो है सफर करने लगे। वो दो घंटा तीन घंटा पहले अगर आप जाइएगा तब आपको टिकट मिल पाएगा, जांच हो पाएगा और हवाई जहाज पर चढ़ पाएंगे पटना। वही हाल हर जगह। तो हवाई अड्डा भी बहुत ज्यादा बन रखे या पहले के तुलना में अभी बहुत हो गया, बिहार में भी, दरभंगा में हो गया, पटना में है, गया में है, और भी एक आध दो खोलने वाला। कहता है कि ग्रोथ दर में वृद्धि जो है वो एक्चुअली है वास्तविक उत्पादन में वृद्धि। अंग्रेज के अंग्रेज के जमाने का पानी वाला मिलिट्री वाला जहाज विक्रांत सेकेंड हैंड में खरीदा था भारत के माने इतना पैसा, आज जो है उससे बेहतर खुद देश बना दिया। उसके भीतर में 150 गो हवाई जहाज जो है छोटा छोटा मार करने वाला सब भीतर में रखा रहता है, ऊपर आया उड़ गया आया उड़ गया। इतना बड़ा उसका छत है जो एयरपोर्ट के तरह। तो वास्तविक अगर उत्पादन होगा तो नजर आने लगे, वास्तव में आय में वृद्धि हो रही है तो गरीबी में कमी होने लगी, संपत्ति उत्पन्न हो रहा है और वितरण सही हो रहा है, संपत्ति कैसे बढ़ेगा तो मजदूरी दर बढ़ाइए, सैलरी बढ़ाइए। वेतन आयोग है, अभी सातवां वेतन आयोग चल रहा है, हर 5 साल पर वेतन आयोग जो है सैलरी बदल देता है। और 1973 में लेक्चरर में हम बहाल हुए थे, उस समय 535 रुपया मंथली सैलरी, अभी कोई बहाल हो रहा है उसका सैलरी जो है 65
1000 रुपया पर मंथ स्टार्टिंग, हमको मिलता था 535। अब इस 535 से 65,000 दोनों में बड़ा कौन? 535 उस समय का, उस समय में 250 रुपये में 10 ग्राम सोना मिलता था। 535 में 20 ग्राम से ज्यादा सोना हो गया, और अभी मिल रहा है 65,000, 48,000 रुपये में 10 ग्राम मिले। 48 से निकल जाए 50 तो बचेगा फिर 15, मतलब कि 10 ग्राम 5 ग्राम और रख लीजिए, 535 रुपया जो है वो रियल सेंस में ग्रेटर है अभी के 65,000। इस मकान को 150 रुपया में किराए में लिए हुए थे, उसका अभी जो है 10,000 रुपया किराया है पर मंथ। 65,000 में 10,000 तो उसको खाली मकान में खत्म, हर चीज का दाम, तो प्राइस राइज और इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बड़ा डकैत है, लोगों के आय को लूट लेता है। ये सब को के प्रभाव को देखिएगा तो उसको कहा जाएगा माइक्रो मॉडल। और जनरल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? सामान्य संतुलन, हर क्षेत्र में एक साथ क्या स्थिति है। कोविन का कहना है कि कोई एक आइटम मत देखिए, कोविन का कहना है कोई एक आइटम मत देखिए, बल्कि हर क्षेत्र को, हर क्षेत्र के प्रभाव को देखें। और इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सामान्य संतुलन माइक्रो मॉडल। गोविंद कहते हैं कि सामान्य संतुलन से देखिए आप माइक्रो मॉडल। जो ऊपर में नाम आपको 8-7 को नाम दिए हैं, और तोबिन के इस मॉडल को कोरिया में, चाइना में, रूस में, जगह जगह का शास्त्री है वो अपने यहाँ वो जांच रहा है कि हमारे यहाँ क्या स्थिति। लेकिन ओरिजिनल क्या है, ट्रेडिशनल किस मॉडल पर आधारित है? सब टोबिन के मॉडल, क्योंकि टोबिन का मॉडल नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हुआ, उस मॉडल का उपयोग करके माइक्रो मॉडल को अब टोबिन कहते हैं कि माइक्रो मॉडल को जनरल इक्विलिब्रियम, सामान्य संतुलन के टेक्निक से इसको विकसित कीजिए। एक साथ आय लीजिए, फिर वितरण लीजिए, फिर उत्पादन ग्रोथ लीजिए, अब तब देखिए कि इकोनॉमी जो है वो हर व्यक्ति का स्थिति में कितना सुधार हो रहा है। समझ रहे हो पांडव जी? है जी सर, समझ रहे। पहले के तुलना में 10 मिनट पहले और अभी में फर्क पड़ा कि नहीं सोच में? जी सर, बहुत फर्क पड़ा। सोचो, फर्क पड़ गया ना, अब समझ रहे हो बात को ना? जी जी सर। ये मिक्स किया गया कि आय को भी देखिए, आय के वितरण को भी देखिए, और उसके बाद उत्पादन ग्रोथ पर भी देखिए। तीनों के एंगल से देखिएगा तो तीनों लीजिएगा तो हो जाएगा जनरल इक्विलिब्रियम। एगो इक्विलिब्रियम नहीं है, जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम में ए बी सी डी जितना भी तत्व है सब को ले, और 5-7 आइटम हो जाएगा, जैसे गरीबी
के दर में परिवर्तन, आय के विषमता में परिवर्तन, उत्पादन वास्तविक उत्पादन में परिवर्तन, लॉकडाउन हो गया तो रेल से आमदनी होगी कि जीरो? जीरो। लॉकडाउन में रेल का उत्पादन जीरो हो गया, रेल का आय जीरो हो गया, उसका वितरण उसका जो है सैलरी, वो स्टाफ का सैलरी तो दिया ही, रेलवे में जो परमानेंट इम्प्लाई है तो लॉकडाउन में सैलरी मिल रहा था कि नहीं? मिल रहा था। प्राइवेट नौकरी वाला को भले भगा दिया, रेल वाला तो आराम से सब सैलरी उठा रहा है, घरे बैठा हुआ। इसलिए कहता है ये तीन क्षेत्र जो है आय, वितरण और ग्रोथ, ग्रोथ माने उत्पादन, इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा जनरल इक्विलिब्रियम माइक्रो मॉडल। और ऐसा करने के लिए कौन सा अर्थशास्त्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है? तोबिन। तो लिखने के क्रम में उस 77 को नाम अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई उसका फर्क नहीं, इसलिए बता दिए, कुछ अर्गो उसमें याद अगर हो जाता है हिंदी में ही उसको लिख दीजिए, है ना, और गूगल में लिख के आप पूछिए कि इसको कैसे बोला जाएगा, तो गूगल बोलेगा, दो बार तीन बार सुनोगे उसको नोट करके कर दो, अंग्रेजी में जो टर्म है ना उसको लिख दोगे, आप गूगल में पूछोगे कि इसको कैसे प्रोनंसिएट करेंगे तो तुमको बोल देगा तो उसको नोट कर दो, तो आसान है उसको याद रखो, लेकिन तो भी नहीं है मुख्य। इसने ये बतलाया कि अर्थव्यवस्था में माइक्रो मॉडल के द्वारा एक एक व्यक्ति के आय परिवर्तन, एक एक व्यक्ति के वितरण परिवर्तन, एक एक व्यक्ति के उत्पादन परिवर्तन, इस पर रिसर्च किया जाना चाहिए। सर एग्जाम में सर इंग्लिश में सेंटेंस लिख सकते हैं कि नहीं, कोई लाइन या वर्ड? एग्जाम में बीपीएससी में कहता है उसी का हिंदी करके लिखिए, तोबिन है तोबिन हिंदी में लिखी है, अंग्रेजी में समझने के लिए अंग्रेजी में बोर्ड पर लिख दिए, लेकिन तोबिन आप लिख सकते हैं। कोई वर्ड मान लीजिए है कि उसको उसका हिंदी नहीं, नाम का हिंदी क्या होगा, नाम तो वही रहेगा, उसको हिंदी में ही लिख, हिंदी में आसान हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा नाम है लेकिन बार बार जो है राम का नाम है, लोग रावणों का नाम जानता है, छतपुरी के रावण का नाम लोग नहीं जानता, श्रीनगर में भी वहां रामेश्वरम जो है, रामेश्वरम मंदिर बहुत नामी है, वहां गए हुए थे दिवाली में, आइडिया नहीं था, तो दिवाली में वहां जो है वही कोई बत्ती नहीं जलाता, ताकि मैक्सिमम सब रावण को ही मानता है, कोई खाने पीने का दुकान नहीं खुला हुआ, पूरा बंद। हम पहली बार गए थे उस समय, वो दिवाली का दिन, तो निकले बाहर तो देखे एकदम सन्नाटा है, तो पूछे तो बोला कि यहाँ दिवाली में लोग नहीं जलाते, अब कहाँ के हैं हम, ठीक है बिहार के, वहां तो पूरा पत्ती सब जगह वहां लाइटिंग रहता है, लोग दिया जलाता है, यहाँ एक भी नहीं जलाता, यहाँ का जो लोग है अपने को रावण का ही फॉलोअर मानता है, एक भी दुकान नहीं खुला हुआ जाके खाना खाए, एक जगह बहुत देखे खुला हुआ है तो पुराना कुछ चीज था, क्यों जल्दी बंद कर रहे हैं, यही अपना काम किया, कहीं नहीं खुला, कहीं नहीं, कि हमको लॉस हो गया, अब फायदा क्या हुआ, फिर मंदिर में पूरे मंदिर में हम थे, वाइफ थी एक और हस्बैंड वाइफ, यही है, आदमी का भी भीड़ नहीं, ये खचाखच भीड़ रहता है, अब वहां 21 कुआं का पानी से नहवाता है,
समुन्दर में नहा लीजिए या वहीं से डायरेक्ट लाइन बना हुआ है जो यहाँ बनारस में नहीं बनाया, नदी के रास्ते से गेटवे बनाया है बनारस, वैसे ही वहाँ समुन्दर के ठीक सामने में गेट है, तो समुन्दर में नहा लीजिए, नहाए हुए थे मंदिर में घुसिए गेट से, और उस गेट से घुसिएगा तो एक दो दिन करते करते कई सौ कुआं है, हर कुआं का पानी का टेस्ट अलग है, नमकीन नमकीन है लेकिन तभी ज्यादा नमकीन कम नमकीन कटापन इधर लिए हुए, और जो साथ पंडा रहेगा वही बाल्टी डुबाएगा आपके देह पर उझिले, जितने उझिलते जब 21 बाल्टी आपके देह पर पड़ेगा तो सब भूल जाइएगा कि काय के लिए आप आए, सोचिए गए कि हमको नौकरी हो जाए मेरा ई मिल जाए, तो इतना बाल्टी पानी डाला सारा सोच जो है बदल गया, और जब वहां पहुंचे थे कैसवा कुआं जो है एकदम गंगा जी का पानी, तो गंगा कुआं कहता भी पानी आपको डालेगा आप पी भी लीजिएगा, तब वहां पहुंचते पहुंचते और उसका तब भूलिए गए कि हम पहुंची हमको मांगना है भगवान से, गए अपना प्रणाम किए दिखाया था, तो वो फायदा हुआ कि इस तरह का रामेश्वरम मंदिर में अकेले उस दरवाजे पर बैठ के पूजा करना, वहां बोला भी पंडित यहाँ पर राष्ट्रपति भी आते हैं प्राइम मिनिस्टर भी आते तो यहीं पर खड़ा होते हैं, कोई नहीं जाता, आपका सौभाग्य है कि आप यहाँ तक पहुंच, आम भीड़ इतना रहता है कि यहाँ तक कोई आ नहीं पाता, तो ये एक फायदा हुआ। हमको जो पंडा नहा रहा था वो यंग था, बोले कि हम प्रोफेसर है, बोला सर हमारा पार्ट वन के बाद हम परीक्षा नहीं दे पाए, हम हेल्प कर देंगे, जरूर हेल्प करेंगे, और पानी नहावा कमे कमे नहावाओ, देखिए सुकुआ में नहाना है एक एक पार्टी बहुत, और उसका जो हेल्प किया कहता है कि माइक्रो मॉडल से आपको सही पता चलेगा कि देश में क्या। अब यहाँ है कि ये सब बात अगर पॉलिटिकल रूप में हम बोलना शुरू करें तो 10 वो फॉर अगेंस्ट आदमी खड़ा हो तरह का बात बोल रहे हैं, आपके देश में विकास हो रहा है कि नहीं नेता नहीं बोले और आदमी के मुंह से आपको जानना पड़ेगा, वोट लेने के लिए हर आदमी पास जा रहे हैं लेकिन ये पूछने कोई जाता है कि तुम्हारे आय में कितना परिवर्तन हुआ। तो हम लोग क्या बिहार में चल रहा है जनगणना, क्या नाम दिए हुआ है जातीय गणना, तो देखे थे अखबार में रिपोर्ट की इसमें आय के बारे में पूछा गया क्या करते नहीं, तो सही तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया में कितना गरीबी है। आय का प्रवाह कैसा है, वितरण संपत्ति का वितरण कैसा हो रहा है, वेतन परिवर्तन हो रहा है, और सबको सामान्य संतुलन जनरल इक्विलिब्रियम एक साथ बांध करके तब आपको देखना पड़ेगा, ऐसा प्रभाव के आधार पर ही निकले, तो इसी को कहते हैं कि वास्तविक उत्पादन वृद्धि द्वारा गोदर वृद्धि का अध्ययन किया जाता, क्योंकि कोविंद के जनरल
एजुकेशन पर आधारित। माइक्रो मॉडल आय रन आय वितरण तथा ग्रोथ का माइक्रो मॉडल चार चार बिंदियां चार में इसको आय वितरण ग्रोथ का मॉडल जो है वो कैसे जानेंगे, इसके लिए चार गो जो है विकसित किए हुए हैं दो तीन। नंबर वन, प्रतीक के साधन कहा सब संगठन के साधन कार पट्टी के साधन श्रम पूंजी साहस संगठन पुरस्कार पुरस्कार से
प्रत्यक्ष
सर चले गए क्या? पता नहीं सर, तो कुछ बोले नहीं। लगता है उनका कनेक्शन कट गया होगा वो उधर से। टाइम भी तो हो ही गया है लगभग, ओवर हो रहा बल्कि। सर आएंगे। अब सर आएंगे भी तो वैसे पढ़ाएंगे नहीं, काफी टाइम हो गया। लीव कर दे लो क्या? कुछ बोले नहीं लेकिन जाते टाइम।
लीव हो जाते हैं, अब सर नहीं आएंगे, सर शायद भूल गए होंगे। हाँ ठीक है, हम भी लोग हो जाते। Thank you.
पांडा सब चले गए, चलो चला गया। नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। ये वाला जो है ना, ये टॉपिक लिखे हुए हो ना? जी लिखा। एक क्लास और लेंगे इस पर।